क्या YouTube एल्गोरिदम दर्शकों के लिए लंबी वीडियो ज्यादा चुनता है? क्या लोगों को 2 मिनट की शॉर्ट फिल्म के मुकाबले घंटों लंबे पॉडकास्ट ज्यादा आसानी से दिखते हैं? आइए आज वीडियो की अवधि के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि यह YouTube के खोज और सुझाव देने से जुड़े सिस्टम से कैसे संबंधित है। YouTube के खोज और सुझाव देने से जुड़ा सिस्टम प्रत्येक दर्शक को वह देखने में मदद करने का प्रयास करता है जो वह देखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि YouTube का सिस्टम उन वीडियो के सुझाव दिखाएंगे जिनमें लोगों की दिलचस्पी होगी और जिन्हें देखकर उन्हें संतुष्टि मिलेगी। यह सुनते हुए शायद आपको लगता है कि मुझे तो यह पहले से ही पता था। एल्गोरिदम लंबे वीडियो को पुरस्कृत करता है क्योंकि उन्हें देखकर लोगों को ज्यादा संतुष्टि मिलती है और तभी वे वीडियो को ज्यादा देर तक देखेंगे। पॉडकास्ट कम अवधि के वीडियो से ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो म्यूजिक वीडियो को लाखों या कभी कभी करोड़ों व्यूज नहीं मिलते, आपको हिट एनिमेटेड वीडियो को भी नहीं दिखते। YouTube का खोज और सुझाव से जुड़ा सिस्टम सैकड़ों बातों को ध्यान में रखकर किसी वीडियो को रैंक करता है। इसमें किसी वीडियो को एवरेज कितनी देर तक देखा गया और एवरेज उसको कितनी प्रतिशत हिस्सा देखा गया, दोनों पैमानों को शामिल किया जाता है। आपको बेवजह अपनी वीडियो की अवधि को बढ़ाना नहीं चाहिए। हमने कुछ क्रिएटर्स को ऐसे करते हुए देखा है और यह अक्सर उनके वीडियो के परफॉर्मेंस पर नुकसान होता है। याद रखें, अगर आप दिलचस्प वीडियो नहीं बनाते तो दर्शक आपकी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, जो अच्छा संकेत नहीं है। अगर आपको 10 मिनट का वीडियो बनाने के बजाय 20 मिनट का एक बेहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिल जाए और लोगों को और ज़्यादा शानदार लगे, तो क्या इस 20 मिनट के वीडियो को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शायद वो 20 मिनट वाला वीडियो लोगों को ज़्यादा दिलचस्प लगे। 10 मिनट वाले वीडियो के दर्शक उस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देख सकते हैं जो उनके लिए संतोष होगा। यह भी हो सकता है कि वे YouTube ही बंद करें, लेकिन हम जानते हैं कि किसी वीडियो को कितनी देर तक देखा जाता है संतुष्टि का अनुमान लगाने का एक तरीका है। इसलिए अब हम सर्वे करवाकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कितने संतुष्ट हैं जो आपने शायद देखा होगा। इन सर्वे में रैंडम तौर पर लोगों से किसी वीडियो को देखने के बाद उनके अनुभव को रेटिंग के जरिए बताने को कहा जाता है। इससे हम यह समझने में मदद मिलती है कि किस तरह की वीडियो देखने से आपका समय बर्बाद हुआ और किससे देखकर आपको संतुष्टि मिली। क्रिएटर्स के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? वीडियो की अवधि के बारे में ज़्यादा न सोचें। जैसे कहा जाता है, आपके वीडियो की अवधि कॉन्टेंट के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कंटेंट से जुड़ी बात 2 मिनट में कहा जा सकता है तो सिर्फ 2 मिनट वाली वीडियो बनाइए। हालांकि अगर किसी बात को समझाने के लिए 20 मिनट लगते हैं तो 20 मिनट के वीडियो ही बनाइए। अगर आपके दर्शक उस वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो खोज और सुझाव देने से जुड़ा सिस्टम दूसरों तक आपके यह वीडियो पहुँचाने का काम करेगा। हमें उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी। YouTube कैसे काम करता है और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के तरीके के बारे में जानने के लिए YouTube Creators India चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।